हेलो, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन आप है कौन? आप फिलहाल सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें। आप पागल है क्या? बिल्कुल पागल, और आप मेरी मदद करेंगी मेरे पागलपन को दूर करने में। कैसे? जिसने मुझे पागल कर दिया है उसे जड़ से उखाड़ देना है। मतलब मर्डर? हाँ, मर्डर। गंभीर समस्याओं का हल जड़ से उखाड़ फेंकने में ही है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया के तरीकों का जायज और कानूनी होना लाजमी है। अगर जड़ से उखाड़ने का इरादा जुर्म से ताल्लुक रखता, कत्ल से ताल्लुक रखता और आप अनजाने में ही उस जुर्म के भागीदार बन जाएं तो? यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे कोई गुप्त जानकारी मांगता है जो आपको नहीं देनी चाहिए तो क्या आप सतर्क नहीं होंगे? जड़ से उखाड़ने के विषय को लेकर आज का ये केस बहुत अजीब है। इतना अजीब है कि पुलिस फाइलों में यह केस विचित्रता का दस्तावेज बनकर रह गया। दो साल में मेरी प्रमोशन ड्यू है, शायद ट्रांसफर में अच्छी सिटी और ब्रांच मिलनी चाहिए, उसके बाद सीनियर लेवल एग्जाम दूंगा। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी मैंने। प्रिपरेशन का दूसरा नाम संजीव माथुर। कमाल की प्लानिंग करता है यार तू, मतलब कॉलेज में भी फुल प्रिपेयर्ड। मैं लक में बिलीव नहीं करता और जीनियस तो खैर हम में से कोई नहीं है। हाँ, वो तो कोई नहीं है। तो बचा सिर्फ एक ही तरीका, प्लानिंग के साथ हार्डवर्क, जो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, और आज बैंकिंग में मुझे वही सर्विस काम भी आ रही है। तेरी ये प्लानिंग तुझे इतना आगे ले गई संजीव, और एक हम रोज के टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में रगड़ जाते हैं। नहीं यार रवीव, हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, कंपेयर कर ही नहीं सकते, राइट? लेकिन 6 साल पहले तूने सोचा भी नहीं होगा कि तू इस पोजीशन पे होगा। एक्चुअली सोचा था, एंड लुक आज पहुंच भी गया। संजीव के बच्चे, ये तेरे ये दोस्त ना किसी बीमारी से नहीं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से मरेंगे कसम से। देख, लाइफ में इतनी दूर की प्लानिंग करना और उसके पीछे पागलों की तरह भागना इतना भी अच्छा नहीं होता यार। देख, लाइफ क्रिकेट की तरह होती है, कभी भी कलर बदल सकती है भाई। सही कह रहा विशाल, और अगर लाइफ ने यू टर्न ले लिया तो उस मोमेंट पे डिसीजन लेना आना चाहिए। फिर क्या करेगा? तेरा पैक खत्म हो गया, एक और नहीं यार, एक यार। थैंक यू प्लीज। अबे साले संजीव, तू पैक्स की भी प्लानिंग करता है? गाड़ी मुझे चलानी है और इस ड्रामेबाज विशाल को घर भी तो मुझे छोड़ना है। अच्छा, तो एक बात बता, अगर तू एक दिन अपनी गाड़ी से घर नहीं जाएगा तो तेरी रिपोर्ट कार्ड में क्या रेडमार्क लग जाएगा? एक दिन ऑटो रिक्शा से घर चला जाए यार, क्या फर्क पड़ता है यार? अगर ऐसा सोचता तो गाड़ी लेता ही नहीं। ओ तेरी भाई, हर चीज का जवाब है इसके पास। गाड़ी लेने में भी प्लानिंग? बैंक ने इसको ऐसे ही ऑर्गेनाइजर का टाइटल नहीं दिया। अच्छा एक बात बता, अभी तू यहाँ से मुझ शराबी को घर छोड़ेगा, फिर अपने घर जाएगा, नहाएगा, फिर सोएगा, फिर सुबह उठेगा, फिर तैयार होगा और सुबह की कॉफी नेहा के साथ पिएगा। लिखवा के लिख ले सब प्लान है, पूछ ले। गलत कह रहा हूं मैं? अग्री अग्री, प्लानिंग तो कुछ ऐसी है। ये बात क्या बोला था संजीव, समझ आज कुछ ऐसा हो जाए कि तेरी लाइफ की पूरी प्लानिंग फेल हो जाए तो? क्या मतलब? मतलब कि तू कल नेहा से ना मिल पाए तो? अबे ऐसे मत देखो यार, अबे मेरा मतलब किसी एक्सीडेंट या हादसे से नहीं था, मैं ये कह रहा था कि मान लो कोई इमरजेंसी आ गई या नेहा को कोई काम आ जाए तो वो खाली टाइम स्लॉट का तू क्या करेगा? अबे साले सीधा सीधा बोलना। ओके, टाइम अपनी करेंसी है और इन्वेस्टमेंट भी, कभी खाली नहीं जाता यार, 101 चीजें हैं करने के लिए। और अगर अगर इमरजेंसी आ भी गई तो उसकी प्लानिंग भी कर रखी है मैंने। संजीव बाबा की जय। शादी का क्या प्लान है? नेक्स्ट ईयर। हाँ, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। हाँ, और शादी के बाद उसकी कड़ी कोचिंग चालू हो जाएगी। पिछली बार बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी, पर इस बार 100% क्लियर करेगी। ओ हेलो, ओए कैसे चला रहे हो यार? हमें ओवरटेक करने के लिए जगह क्यों नहीं दी? और मिरर किस लिए लगा रखा है, दिखाई नहीं देता या पी रखी है? तुम दोनों पीछे से आ रहे थे, पूरी सड़क खाली है, तुम लेफ्ट से भी तो आ सकते थे और हॉर्न भी तो बजा सकते थे। मतलब गलत तरीके से कट हम मारे हैं। ओ, इतना ही सेफ चलाते हो,
और राइट साइड में जगह नहीं थी तो ट्राई क्यों किया? ए, जो बाइक स्क्रैच हुई है उसका नुकसान तो भर के देना पड़ेगा बस। और मेरी गाड़ी का नुकसान कौन भर कर देगा? देखो गलती तुम दोनों की थी, हम यहाँ से निकलते बनो। वैसे भी तुम्हारी बाइक पर कोई स्क्रैच तो दिख नहीं रहा है। कम से कम 200 रुपए लगेंगे रिपेयरिंग के, समझे? हम शराफत से पेश आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहते चलो जाए, हम सुनते चले जाए। चुपचाप निकलो यहाँ से, एक पैसा नहीं मिलेगा। अब ज्यादा हो रहा है, पैसा तो देना ही होगा। गाड़ी ठोकी तुमने, पैसा हम क्यों दें? रास्ता छोड़ो यार, जाने दो प्लीज, वरना हम पुलिस को फोन कर रहे हैं। लगा लगा बेटा, लगा पुलिस को फोन। अब तो तुझे पुलिस को फोन लगाना ही पड़ेगा। विशाल का फोन है, लगता है पीने वीने का प्लान तो नहीं बना लिया दोबारा। बात कर, संजीव द प्लानर के होते हुए इम्पॉसिबल। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ विशाल बोल। काटो क्या रवि, मुझे जल्दी यहाँ पर आ जाओ यार। पर हुआ क्या, कुछ तो बता। मैं जल्दी यहाँ पहुँचा यार। कहाँ है? चैतन्य नगर से आगे चलते हैं, आ जा भाई। हाँ हम आ रहे। अबे बाइक घुमा, बाइक घुमा, कह रहा है कुछ कांड हो गया। क्या हो गया विशाल? अबे ये क्या है? ये खून, ये कैसे, क्या है ये? सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके। ये डेड ऑन अराइवल केस है और पुलिस केस भी। समझ, आज कुछ ऐसा हो जाए और तेरी पूरी लाइफ की प्लानिंग फेल हो जाए तो? चार दोस्तों के बीच हुई इस बात को अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था और ये भयंकर हादसा हो गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बाइक ने संजीव की कार को ओवरटेक किया था, उस बाइक का एक चालक इतना गुस्सा हो गया कि उसने संजीव को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। सिर्फ 200 रुपए के लिए? संजीव और मैं भी बहुत हैरान हुए जब उस बंदे ने सिर्फ 200 रुपए मांगे। हमें क्या मालूम था वो गन निकाल के शूट करेगा। मैंने संजीव के पेरेंट्स और भाई को इन्फॉर्म कर दिया, दे आर ऑन द वे। गोली सर में से निकाल दी गई है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। चैतन्य नगर के जितने सीसीटीवीज हैं सब में मोटरबाइक चेक करनी होंगे और क्राइम स्पॉट के आसपास भी देखना। विक्टिम के दोस्त विशाल को साथ लेकर जाओ। सर बाइक का नंबर? बाइक का नंबर विशाल देख नहीं पाया, अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि वो दो लोग थे, इसलिए फुटेज में देखना। जितने ही मोटरबाइक्स हों सबको स्कैन करना। राइट सर। कुछ भी पता नहीं है, बस उसके दोस्तों का फोन आया था कि संजीव को गोली लग गई है, हम बस अस्पताल पहुँचने वाले हैं। जी 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 बेटा जल्दी लेना। क्या हुआ जी? अपने संजीव पर किसी ने फायरिंग कर दी, उसे गोली मार दी सुधा। क्या क्या हुआ माँ? हॉस्पिटल चल जल्दी। क्या हुआ, कौन बीमार है? संजीव के पापा का फोन आया था, किसी ने संजीव को। क्या हुआ संजीव को माँ? संजीव को किसी ने गोली मार दी। रवि नितिन क्या हुआ? अरे ये कैसे हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? आशीष हम दोनों को सच में कुछ नहीं पता, पुलिस अंदर विशाल के साथ बात कर रही है, वही था संजीव के साथ उस वक्त। कहाँ है संजीव?
संजीव का है? संजीव का है? मुझे उसे मिलना है। संजीव का है? आशीष, आशीष तुम बताओ मेरे को, कहाँ है संजीव? क्या हुआ उसे? मुझे मिलना है उसे, कुछ तो बताओ। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है संजीव को। आशीष, आशीष तुम बताओ संजीव का है? अरे कोई तो कुछ बताओ, कहाँ है संजीव? आशीष कुछ तो बोलो। On the spot. क्या on the spot? बकवास कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं खुद देखती हूँ। संजीव, संजीव, पापा सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है संजीव को। पापा, पापा संजीव के पास जाना है। संभालो बेटा अपने आप को, संभालो। सबसे पहले उन्होंने बाइक को ठोक, मेरा मतलब क्रैश करते हुए आगे निकल गए, फिर आगे जाके बाइक को बीच सड़क पर रोक दिया। दोनों ने हेलमेट पहनी हुई थी? जी सर। पहले किसने हेलमेट उतारा? एक्चुअली उन्होंने हेलमेट नहीं उतारा, बस वाइजर को ऊपर किया था सर। बाइक का नंबर याद है? कोई भी डिजिट, कुछ भी? उन्होंने बाइक हमेशा स्टार्ट करके रखी थी, पर नोट करने का ख्याल भी नहीं आया सर। और फिर आकर 200 रुपयों के लिए लड़ने लगे? हमें लगा दोनों पिए हुए होंगे सर, बदमाश होंगे, इसलिए हमने सोचा हमें वहां से निकल जाना चाहिए। मिसेस संजीव ने जैसे ही गाड़ी का गेट डाला, उनमें से एक गाड़ी के सामने आकर गाड़ी को ब्लॉक करने लगा। फिर सर मैंने अपना फोन निकाला और उनको धमकाया कि मैं पुलिस को फोन करूंगा। अब तो तुझे पुलिस को फोन लगाना ही पड़ेगा। पीछे वाले ने गन निकालकर संजीव को शूट कर दिया सर। क्या कहा था? अब तो तुम्हें पुलिस को फोन लगाना ही पड़ेगा। जी सर, ऐसा ही कुछ कहा। देसी कट्टे की गोली लोकली बनी लगती है। हाँ, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया स्कल पर, गोली स्कल को चीरती हुई निकल गई है, ब्रेन के चिथड़े कर दिए कम्प्लीटली। बैंक में ऑफिसर था? जूनियर ऑफिसर था, सुना टॉप को एम्प्लॉय, जल्दी प्रमोशन के लिए ड्यू। जहाँ तक मैंने सुना सर, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे और फिर वो और विशाल साथ ही लौट रहे थे। ये विशाल है कहाँ इस वक्त? सर उसकी आंखों के सामने मार दिया है संजीव को, शॉक में है। पुलिस उसकी हेल्प ले रही है, लेकिन वो क्या है ना सर कि आंखों के सामने मर्डर हुआ है तो आई विटनेस वही है। राकेश एक बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसे कैसे बंदूक निकाल के फायर कर दिया उन्होंने? यही सवाल तो सब पूछ रहे हैं सर कि मामूली सा रोड एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट भी क्या, जैसे बाइक आई और कार को स्क्रैच किया बस, फिर गन निकाली और फायर। दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। आपने बताया था कि दोनों ने हेलमेट के कांच ऊपर किए हुए थे। जी सर किए थे, लेकिन उससे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ तो देखा होगा, जिसने गोली चलाई वो पास तो आया होगा। जी सर। हाँ तो जितना याद आ रहा है उतना बताइए, और हेलमेट कैसे थे वो भी बताइए। आधा अधूरा होगा। आधा अधूरा सुराग सुराग ना होने से बेहतर है, बताइए। बाइक पे सवार दो लोग थे, दोनों ने हेलमेट पहनी हुई थी, देसी कट्टा साथ में लेकर घूम रहे थे, शायद हिस्ट्री शीटर्स होंगे, शायद क्राइम करके लौट रहे होंगे या फिर करने जा रहे होंगे। और सड़क पर गाड़ी से ब्रश हुआ और आपस में गर्मा गर्मी हो गई, इतनी गर्मा गर्मी कि गोली चला दी। चैतन्य नगर के आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं मिला सर। शायद उन्हें मालूम था कि इस एरिया में सीसीटीवी कैमराज नहीं है। मतलब सर? रावत, उन्होंने 200 रुपये मांगे और 200 रुपये ना मिलने पर गोली चला दी, जबकि देसी कट्टे की एक गोली 200 से ज़्यादा में पड़ती है। मुझे ये रोड रेज वाला एंगल कुछ अटपटा सा लगता है। तो आपको लग रहा है ये प्लान मर्डर था? प्लानिंग मर्डर करने से ज़्यादा मर्डर को छुपाने में की गई, और ये रोड रेज ये सिर्फ एक मुखौटा है, और अब हमें इस मुखौटे के पीछे छुपे हुए कातिलों के असली चेहरों को सामने लाना है। क्या पुलिस का शक जायज़ था?
कि जिंदगी में हर चीज की प्लानिंग करने वाला संजीव माथुर खुद एक भयंकर हत्या की प्लानिंग का शिकार हुआ था। क्या यह रोड रेज इसी प्लानिंग का एक मोहरा था? क्या कहा पुलिस ने? संजू की बॉडी कल तक मिलेगी पापा। सिर्फ आके देना तो बाकी रह गया, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने हमारी जिंदगियां आग में झोंक दी? गोली किसने चलाई? अब तक कुछ पता नहीं चला है पापा, बस इतना मालूम है कि संजू, विशाल, रवि और नितिन कल रात होटल अर्पिता में थे, बार में। उसके बाद नितिन और रवि बाइक पे चले गए और संजू विशाल को ड्रॉप करने जा रहा था, तभी अचानक से दो लोग बाइक पे आ गए और उसका झगड़ा हो गया और उसमें से एक ने संजू पे गोली चला दी। कहीं कोई ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं एक शाम चार दोस्त मिलते हैं, चारों मिलकर एक बार में जाते हैं, वहां जाकर ड्रिंक्स लेते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और उसके बाद घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो हमारा पहला एंगल है फ्रेंड्स। क्या इन चारों दोस्तों में आपस में कोई अनबन थी या कोई छुपी हुई दुश्मनी जिसकी वजह से यह हादसा हो? हमारा दूसरा एंगल है फैमिली। क्या माथुर परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, बिजनेस को लेकर या जमीन जायदाद को लेकर, और दुश्मन ने मौका देकर वार किया और माथुर परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म दिया? हमारा एंगल नंबर टू है फैमिली। और तीसरा एंगल है मंगेतर। सुना संजीव माथुर की नेहा तिवारी नाम की लड़की से सगाई हुई थी, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे। तो क्या कोई ऐसा था जो नेहा तिवारी को चाहता था, या कोई ऐसी थी जो संजीव माथुर को चाहती थी? आई मीन ट्रायंगल। और हमारा चौथा एंगल है बैंक। संजीव माथुर बैंक में एम्प्लॉय था और इसे बैंक में काफी होनहार समझा जाता था, इसकी प्रमोशन भी ड्यू थी। तो क्या कोई इसकी प्रमोशन से चलता था, किसी को जलसी थी या गुस्सा? क्या संजीव माथुर ने बैंक में किसी का फ्रॉड पकड़वाया था? हमें इन चारों एंगल्स पर जमकर मेहनत करनी होगी। आई एम श्योर हमारे हाथ कोई ना कोई सुराग जरूर लगेगा, और अगर फिर भी हमारे हाथ खाली रहे तो पांचवा एंगल तो हमारे पास है ही, विच इज रोड रेज। अब ये संजीव माथुर की बदकिस्मती थी कि वो बार से घर जा रहा था, दो बाइक सवार आते हैं, उनकी बाइक संजीव माथुर की कार को टच करती है, आपस में कहा सुनी हो जाती है और कहा सुनी इतनी बढ़ जाती है कि बाइक सवार कट्टा निकालकर संजीव माथुर का कत्ल कर देती। हो सकता ये रोड रेज का एंगल पॉसिबल है, लेकिन रावत 200 रुपए मांगने वाली बात इस रोड रेज वाले एंगल को बहुत कमजोर कर देती है। सर मैंने इस पांचवें एंगल यानी रोड रेज पे खबरियों को लगा दिया है। हर कट्टे की हिस्ट्री होती है सर, और हिस्ट्री हाथ में आते ही शूटर की ज्योग्राफी भी सामने आ जाएगी। रावत सामने तो सिर्फ दो हेलमेट थे, हेलमेट के पीछे अंधेरे में से गोली चलाई गई। अब हमें यह पता लगाना है कि वो हेलमेट खुद को बचाने के लिए पहने गए या खुद की पहचान छुपाने के लिए। नहीं सर, संजीव के साथ कुछ भी ऑन द स्पॉट नहीं होता था, पूरा एक हफ्ता पहले मीटिंग प्लान की थी उसने, उसी की ट्रीट थी, बड़ा इंक्रीमेंट मिला था उसे। और सर हम लोग कॉलेज के दोस्त हैं, मैं, नितिन, विशाल और संजीव। आप लोगों के अलावा किसी और को भी पता था कि आप चारों उस दिन मिलने वाले हो? पापा का पैकेजिंग का यूनिट है और मैं अपना खुद का टेक्सटाइल यूनिट संभालता हूँ छोटा सा। गंगाधर जी, आशीष, क्या आपकी बिजनेस या फैमिली में किसी से कोई दुश्मनी है, कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ? ये कैसा सवाल पूछ रही हैं आप? मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपसे संजीव ने इस बारे में कोई बात की थी, किसी से दुश्मनी की, कि कोई
धमकी की? संजीव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत फ्रेंडली थे, हमेशा सबकी हेल्प करते थे। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकती हैं। वो पूछताछ हम कर लेंगे, पर फिलहाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप उसकी जीवन साथी होने वाली थी, उसकी सबसे करीबी थी। संजीव जैसा इंसान नहीं था, एकदम सही, हमेशा करेक्ट, काम से काम रखता था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था उसका। और ये जो सब लोग कह रहे हैं कि संजीव की सड़क पर किसी से लड़ाई हुई थी, मैं नहीं मानती इसे। संजीव ऐसा लड़का ही नहीं था कि जरा सी बात पे इतना बड़ा पखेड़ा खड़ा कर दे कि। देखो हमें ये रोड रेज, ये गुस्से में गोली चलाने वाली बात खोखली लगती है। हमें लगता है कि मर्डर हुआ है, बकायदा प्लानिंग के साथ हुआ है। संजीव समझ, आज कुछ ऐसा हो जाए कि तेरी लाइफ की पूरी प्लानिंग फेल हो जाए तो? आप लोग कुछ जानते हो, कुछ ऐसा जो आप लोगों ने अभी तक हमें नहीं बताया? नहीं सर, थोड़ा अजीब तो लग रहा है सर। संजीव अपनी हर एक चीज प्लानिंग के साथ करता था, मतलब शराब भी प्लानिंग और हिसाब के साथ पीता था, और अब देखो किसी ने उसकी मौत की प्लानिंग कर ली। बाबा जी, संजीव माथुर आपका सबसे होनहार, सबसे प्रॉमिसिंग एम्प्लॉय था, राइट? उसमें कोई शक नहीं है, संजीव वॉज द बेस्ट। तो शायद ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हुई हो, कोई उसके काम से या उसकी तरक्की से नाराज हो, किसी का नुकसान हुआ हो बैंक एम्प्लॉयज में? हाँ, या फिर क्लाइंट्स के बीच कुछ हुआ जो उसे रास्ते से निकालना चाहता हो। ऐसी कोई दुश्मनी आपकी या आपकी, जिसकी सजा आपके बेटे संजीव को भुगतनी पड़ी? पर्सनल और प्रोफेशनल एंगल को गहराई से टटोला गया, खोदा गया, और आखिरकार नाराजगी की, दुश्मनी की एक वजह सामने आ ही गई। एक जमीन की डील हुई थी। कैसी डील? 2 साल पहले यहीं अपने जमशेदपुर हाईवे के पास मैंने एक बंजर जमीन खरीदी थी। मेरा यह विचार था कि उस जमीन पर अपना बंगला बनाऊंगा, लेकिन वो मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट में क्यों है? जमीन बंजर थी, उसको खरीदते समय कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सर बाद में पता चला कि वो जमीन दरअसल रिजर्व कोटे में किसी को अलॉट हो चुकी थी। किसको? एक हरिलाल बागड़ी। बापू, इससे अच्छा मौका उन्हें और कहाँ मिलेगा? सीधे सीधे हम ही पर उंगली उठाएंगे वो लोग, दबाने की कोशिश करेंगे हमें। उन लोगों को मालूम नहीं हम किस मिट्टी के बने हैं, न तब दबे थे ना अब दबेंगे। एक कदम, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे राकेश। ब्रोकर ने हमसे कहा था कि सरकार ने वो जमीन ऑक्शन के लिए निकाल के रखी, टाइटल क्लियर है। हम बंगले की कंस्ट्रक्शन शुरू करने ही वाले थे, तभी हरिलाल बागड़ी धमक पड़ा, केस हुआ, 1 साल से केस चल रहा है। इस हरिलाल बागड़ी ने कभी आप लोगों को कोई धमकी वमकी दी? अत्याचारी तो आप हैं, दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा जमा रहे, भागी आप लोग यहाँ से। अरे हमने इस जमीन की पेमेंट दी है, चेक में रसीद है हमारे पास। आप अपनी रसीद अपने पास रखिए, इस जमीन के सारे कागजात मेरे पास है जिसमें लिखा है जमीन हमको सरकारी कोटे में मिली। अरे भागी आप लोग। अरे तो फिर जब हमारे जमीन का सौदा हो रहा था तो कहाँ थे आप? तब क्यों नहीं ले आए अपनी ये फर्जी कागजात? साले झूठे कही के एक नंबर के, हमारी जमीन पे खड़े होके हमें झूठा बोल रहा है। अरे आ जाए, मेरी बात सुन। अरे जड़ को खत्म कर देता हूं। क्यों भागे? अरे देखो निकलो यहां से। अरे आज तो ये बोर्ड उखाड़ा है, जरूरत पड़ी तुम सबको उखाड़ देंगे, भागिए आप लोग यहां से। वो ब्रोकर तो फरार हो गया सर। और फिर वो बागड़ी और उसका बेटा राकेश हमें आए दिन परेशान करते थे। क्या कहते थे? बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन दोनों ने हम दोनों पर जातिवादी हिंसा का केस ठोक दिया। हम दोनों को एक दिन पुलिस लॉकअप में बैठना पड़ा। मामला कोर्ट में है, वो कहते हैं कि वो उनकी जमीन है और हम कहते हैं कि हमारी। गंगाधर जी, क्या आपको लगता है कि बागड़ी ने या उसके बेटे ने आप लोगों को सबक सिखाने के लिए या गुस्से में आपके बेटे संजीव को मारा हो या मरवाया हो? अब बस समय की बात है, आज कल में पहुंच जाएंगे सवाल करने के लिए और जवाब हमें देना ही होगा।
विपुल खुराना? जी विपुल खुराना, यही एक आदमी है जिसने एक बार संजीव को धमकी दी थी। कस्टमर है आपका? जी बिजनेसमैन है, बड़े लोन की एप्लीकेशन की थी जो संजीव ने रिजेक्ट कर दी। हाँ सर मुझे क्लियर याद है, धमकी दी थी उसने संजीव को। बंसल जी ये लिमिट है, आपका एक 2% का क्लर्क मेरा लोन रिजेक्ट करता, मेरा। विपुल जी आप आराम से बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, बैठेंगे। सर इन्होंने लोन के लिए जो घर के पेपर्स दिए हैं वो कॉपीज हैं, मैंने ओरिजिनल के लिए कहा तो ये कह रहे हैं कि पेपर दूसरे बैंक के पास है, वहां से भी इन्होंने लोन लिया है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता सर। सुनो लड़के, जितने महीने तुमने इस बैंक में काम किया है ना उतने साल मैंने इस बैंक को बिजनेस दिया है, पूछो अपने बॉस से। क्यों बंसल जी, आफ्टर ऑल ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन कोई चीज होती है कि नहीं? और बैंक के रूल्स भी कोई चीज होती है सर, आई मीन जो घर पहले से किसी बैंक के पास गिरवी है हम उस घर के अगेंस्ट में आपको लोन कैसे दे सकते हैं? मैं इस नौसिखिए के मुंह नहीं लगना चाहता पर एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, इसकी बेवकूफी के चलते आप एक पुराना और इम्पोर्टेंट कस्टमर खो देंगे। आई एम सॉरी पर संजीव जो बात कर रहा है वो पूरी तरह जायज है, अगर हम एक ऑलरेडी गिरवी घर के अगेंस्ट लोन देते हैं तो ये तो एक फ्रॉड होगा। आप मुझे फ्रॉड कह रहे हैं? जी नहीं, सरकार हमें फ्रॉड कहेगी जब ये सारा कुछ ऑडिट में सामने आएगा। सामने तो तब आएगा ना जब आप सामने करेंगे। देखिए बंसल जी मुझे ये लोन चाहिए और आप इसे मैनेज करेंगे। आई एम सॉरी सर, मैं किसी भी सूरत में ये एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करूंगा, और एक रिमार्क भी होगा फॉर्म पे कि इस एप्लीकेंट ने मुझे लोन अमाउंट का 5% कमीशन भी ऑफर किया है। और उस दिन संजीव आया था बाद में मेरे पास, क्या कह रहा था? कह रहा था कि विपुल ने धमकी दी उसे। बेटा ये लाइफ में पहली बार हुआ है कि मेरा लोन रिजेक्ट हुआ है। सर बैंक के कुछ रूल्स होते हैं, मैं उन्हें तोड़ तो नहीं सकता ना। मेरा बिजनेस टूट रहा है दोस्त, और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा काटा तुम हो। नहीं सर आप गलत सोच रहे हैं, बिजनेस में सही और गलत के बीच की लकीर इलास्टिक की बनी होती है, और इमरजेंसी सिचुएशंस का एक रूल होता है अपने रास्ते के कांटे को जड़ से उखाड़ के फेंको, तो बच के रहना। जी सर यही कहा था मिस्टर विपुल ने, बकायदा धमकी दी थी संजीव को। संभव एंगल्स पुलिस के समक्ष उभर कर आ रहे थे, पर कहीं और संदेह का एक मोर्चा कांपना शुरू हो चुका था। कुछ और लोग थे जिन्हें संजीव माथुर की हत्या के बारे में जानकारी थी, पर इन लोगों की जानकारी पुलिस के पास अब तक नहीं थी। वैशाली कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ। मुझे अभी अभी पता चला कि संजीव माथुर से तेरी एंगेजमेंट हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन तूने अचानक इतने टाइम बाद कैसे फोन किया? ऐसे ही मुझे पता चला तो सोचा तुझसे एक बार बात कर लूँ। अब हम लोग गरीब हैं, दबे कुचले हैं, लेकिन कमजोर नहीं। हमारी जमीन हम लेकर रहेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई का उनके बेटे के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है साहब, हमें तो बस हमारी जमीन चाहिए। उसे मारकर हमें जमीन कैसे मिलती? ये कोई पहली बार तो नहीं होगा कि कत्ल की जमीन खून से सींची जाए और दुश्मन को ऐसा जख्म दिया जाए जो जिंदगी भर न भरे। काहे की दुश्मनी साहब, मेरी हक की लड़ाई गंगाधर से है, अगर मारना ही होता तो गंगाधर को मारता, उसके बेटे को क्यों? कत्ल का इरादा रखने वाले की भी नीयत? सर नीयत में खोट तो उन लोगों की थी, पैसों में नहाने वाले लोग हैं वो, और हम गरीबों को बूंद बूंद के लिए मोहताज कर रहे हैं। धोखे से हड़प ली हमारी जमीन, अगर मारना ही होता तो वो हमें मार देते, हटा देते हमें रास्ते से, तब उनका असली फायदा होता सर। और साहब ये जो आप वो लड़के का नाम ले रहे हैं, उस संजीव माथुर, उसको तो हम जानते तक नहीं। इंसल्ट की थी उसने मेरी, तो हाँ गुस्से में निकल गई धमकी और रास्ते का कांटा भी निकल गया। क्यों? मैंने वो धमकी सीरियसली नहीं दी थी।
आपके ऑफर को सीरियसली लेने वाला आएगा ना वहाँ, 5% लेकर फ्रॉड लोन पास करने वाला। अब उस कुर्सी पे चाहे कोई भी बैठे, मेरा लोन तो पास होने से रहा, ब्लैकलिस्ट हो गया वहां से। और इसलिए आपने संजीव को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिंदगी से ब्लैकलिस्ट कर दिया, सुपारी दे दी उसके नाम की। सर मैंने आज तक सुपारी दी तो नहीं है, पर इतना जरूर जानता हूं कि कोई भी फ्री में सुपारी नहीं उठाता, और मेरे जेब में सिर्फ लेनदारों के बिल हैं। खस्ता हालत है बिजनेस की, अब ऐसे में मर्डर वर्डर का झंझट क्यों पालूं? जावेद भाई, सुपारी उठाई गई है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता। शरद, अब मेरी शक्ल देखने तो आया नहीं तू यहाँ पे। मार्केट में दो छठे हुए बंदे हैं अपने भंगार मार्केट में। नाम? भूषण बोरा और जतिन भंडारी। नाम सुना है दोनों का, दोनों वसूली करते हैं ना? हाँ वही, वसूली एक्सपर्ट और धमकाने में भी एक्सपर्ट। उन लोगों ने सुपारी उठाई? वो तो नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल दोनों मार्केट से गायब हैं, मतलब एक हफ्ते से हवा हो गए हैं। क्यों? जावेद भाई खबरी तो आपको, हम तो बस छोटे मोटे पॉकेट मार रहे हैं, आप 500,000 देते हैं तो हम बक देते हैं। जावेद भाई एक बात समझ लो, ये दोनों मार्केट से उड़ने वाले कबूतर नहीं है, ज़रूर किसी ने बड़ा दाना पानी का बंदोबस्त किया है इसलिए गायब है। सर हरिलाल बागड़ी और उसका बेटा राकेश दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं, ये सुपारी अफोर्ड नहीं कर सकते। विपुल खुराना ने भी यही कहा था ना? सर विपुल के फोन रिकॉर्ड्स और उसके मूवमेंट से ऐसा लगता नहीं है कि उसने संजीव को धमकी दी और उसको फॉलोअप किया। मतलब ले देकर हम फिर से अपने एंगल नंबर 5 पर आ गए, रोड रेज। सर जावेद खबरी ने दो नाम लिए, उस रात मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था कि कुछ हो जाए तो तेरी प्लानिंग का क्या होगा, और सचमुच का हो गया यार। यार पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो गोली गाड़ी के झगड़े से नहीं, रोड रेज का केस है ही नहीं। विशाल तुझे क्या लगता है, विशाल क्या सोच रहे थे? हाँ कुछ नहीं यार, कुछ तो चल रहा है यार तेरे दिमाग में। सोचो उस रात वो दोनों पागल सिर्फ 200 रुपए ही तो मांग रहे थे, चर्सी वर्सी रहे होंगे, दे देते यार वहीं के वहीं। इस वक्त संजीव हमारे साथ हो यहां चाय पीते हुए, क्या हुआ क्या सोच रहे हो तुम? तुझे अभी भी लगता है सिर्फ 200 रुपए के लिए उन्होंने संजीव को गोली मार दी? और नहीं तो क्या? दिमाग में एक बात स्ट्राइक की, विशाल की बात। हाँ सच कहूं तो मुझे विशाल की बात जम नहीं रही, लेकिन हम लोग पूछेंगे कैसे उससे, और वो जवाब भी क्या देगा। वो आज भी हम दोनों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ 200 रुपए के लिए उन्होंने संजीव को गोली मार दी, साला गेम खेल रहा है यार।
हम अपने दोस्त के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या होती है दोस्ती? हाँ, जान बचाने को दोस्ती कहते हैं। साला 200 रुपए के लिए उन्होंने संजीव को गोली मार दी और विशाल को जिंदा क्यों छोड़ दिया बे? पागल थे ना वो लोग, गुस्से में थे। विशाल को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई। सोच, ये भूषण बोरा और जतिन भंडारी को हर जगह ढूंढा मैंने, कोई मतलब की कोई भी खबर नहीं दोनों की। अग्रिम मूवमेंट क्या थी इनकी? साहब, कांड के दो दिन पहले तक तो स्टील भंगार मार्केट में पंटरबाजी चल रही थी इनकी। इस माथुर परिवार का स्टील बिजनेस से कोई ताल्लुक? जमशेदपुर है साहब, यहाँ हर दूसरे का स्टील से ताल्लुक है और स्टील भंगार मार्केट के हर दूसरे का संजीव माथुर के बैंक में अकाउंट है। लेकिन संजीव माथुर दरअसल बहुत ही सीधे साधे लेवल पर बैंक में था, कोई ऐसा बहुत बड़ा दिग्गज तो था नहीं सर, फिर कोई उसकी सुपारी क्यों देता भला? सर पर्सनल एंगल, संजीव और नेहा के बीच वाला कुछ निकला? नहीं सर, इंटरकास्ट लव था लेकिन दोनों की फैमिली मान गई थी। फैमिली मान गई होगी लेकिन बिरादरी कहीं? ऑनर किलिंग का केस तो नहीं है? नहीं सर, 3 साल पहले दोनों मिले थे, एक ही कोचिंग क्लास में जाते थे बैंक एग्जाम की तैयारी करने के लिए। दोनों के बीच में लव हुआ, फिर एंगेजमेंट भी हो गई, दोनों तरफ के लोग भी आए थे, ऑनर किलिंग का तो कोई केस ही नहीं बनता। सर किसी भी पर्सनल एंगल में कोई खास मोटिव नहीं मिल रहा, मतलब एक जवान आदमी को मारने से किसी को कोई तो फायदा होना चाहिए, यहाँ पे तो फायदे का कोई स्कोप ही नजर नहीं आ रहा। चलो तुक्का लगाते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये एक सुपारी किलिंग है और इन दोनों हिस्ट्री शीटर्स ने इस सुपारी को अंजाम दिया। उस रात इन दोनों ने कहीं ना कहीं से तो संजीव की कार को फॉलो किया होगा। और मौका पाते ही दोनों ने संजीव की कार को ओवरटेक किया, फिर इन दोनों की बाइक का कार से टच होना, उसके बाद 200 रुपये मांगना और 200 रुपये ना मिलने पर झगड़ा करना, वो सब सिर्फ एक्टिंग थी, नाटक, ताकि झगड़ा इस हद तक बढ़ सके कि वो संजीव का कत्ल कर सके। सर अगर ये 5 नंबर वाले रोड रेज का एंगल खर्च कर दिया जाए तो हमारे पास संभावनाओं में कमी नहीं है? अभी फिलहाल के लिए रोड रेज वाले एंगल की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। सर प्लान मर्डर होने का कम से कम एक ठोस सबूत होना तो जरूरी है, एक सुराग, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अरे साहब पैसा ही हाथ नहीं आया ना, देखिए हमने आपका काम साफ सफाई से कर दिया, आप हमारा कर दीजिए ना। पुलिस एक हफ्ते से हमारे पीछे घूम रही है, हम पकड़ में आए नहीं ना, तो काहे की देरी कर रहे हैं आप? तो कोई चिड़िया विड़िया थोड़ी ना मारे, मर्डर किया है तो मामला उलझेगा ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें बताइए। देखिए आप चुपचाप हमारा पैसा भिजवा दीजिए आज। कब बोल रहे हैं देने के लिए? कल बोल रहा है देने के लिए, वो तो साले ने परसों भी यही बोला था। संजीव माथुर उस रात अपने दोस्तों के साथ बार में था। अर्पिता बार में सर, सीसीटीवी कैमरा तो होंगे वहां पे। रावत फुटेज ले आओ उस रात के। ओके सर। अभी हम यही मान के चलते हैं कि संजीव का पीछा किया जा रहा था, हम वो हर पॉसिबिलिटी टटोलेंगे जिससे यह साबित हो सके कि एक मर्डर था, और अगर हर मोर्चे पर फेल हुए तो वापस इसी एंगल पर लौटेंगे, रोड रेज। हमें 5 मार्च की फुटेज चाहिए, आपके बार की लॉबी की, अंदर की और बाहर की भी। सर एग्जैक्टली कब से कब तक की चाहिए, मेरा मतलब कोई खास टाइम? सर हम लोग वहाँ करीब 9:30 बजे पहुँचे थे और निकले होंगे करीब 12:45 बजे। रात 9 बजे से 1 बजे तक सारे कैमराज की फुटेज ट्रांसफर करवा। जतिन भंडारी और भूषण बोरा, अब देखते हैं ये जतिन और भूषण चारों का पीछा करते हैं इन्हें।
अपना एंगल नंबर 5 रोडरेज, लगता है कैंसिल करना पड़ेगा। सर होटल के बाहर की भी सीसीटीवी फुटेज है, शायद उसमें बाइक की डिटेल्स मिल जाएंगे। लगाओ। हमारा ये एंगल नंबर 5 रोडरेज खारिज कैंसिल। अब इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे हाथ में रोडरेज का नहीं एक मर्डर का केस। सर उन लोगों को पहले से पूरी इंफॉर्मेशन थी कि संजीव किस बार में बैठा है और किस रूट से अपने घर जाने वाला है। रावत, इस ऑपरेशन की जबरदस्त प्लानिंग की गई है और ये दोनों संदिग्ध जतिन और भूषण जिन्हें हम खोज रहे हैं ये दोनों हमारे आरोपी हैं। सर अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड भी मिल जाएगा और एक बार फिर से ये साबित हो जाएगा कि परफेक्ट मर्डर इज इम्पॉसिबल। अब ये साबित हो गया था कि ये केस रोड रेज का तो कतई नहीं था बल्कि एक बारीकी से रची गई हत्या की साजिश थी। एक प्लान तरीके से तरक्की की ओर बढ़ने वाला 28 साल का संजीव माथुर खुद एक प्लान मर्डर का शिकार हुआ था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि वो सड़क पर रोड रेज, वो 200 रुपए की मांग, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। अब दो अहम सवाल उठ रहे थे, संजीव माथुर क्यों मारा गया और उसे किसने मरवाया था। इस केस के साथ खुला शौक का पिटारा, शक के 5 एंगल्स में से सबसे कम वजन वाला एंगल हत्या का कारण साबित हुआ, पर यह एंगल कौन सा था। संजीव की हत्या की प्लानिंग कैसे की गई और फिर हत्यारों को पकड़ने की प्लानिंग पुलिस ने कैसे की, ये हम जानेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।